यहाँ पे जो इसको सिर में पीछे लग गई, तो अभी कैमरे में कुछ पता नहीं लग रहा ऐसा ही से, क्योंकि यहाँ गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5, तो मेरा ब्लॉग अभी शुरू हो रहा है। तो सुबह से पूरा दिन आज बारिश लगी हुई थी, तो मैंने ब्लॉग भी शुरू नहीं किया। फिर मैंने अभी शाम को सोचा क्यों ना ब्लॉग शुरू कर देती हूँ अभी। तो अभी मैं थोड़ी सी फ्री बैठी हूँ, तो फिर मैंने अपना ब्लॉग भी शुरू कर दिया। तो रूही और माही से बाहर कहीं गई हुई है इधर घूमने, तो माही भी एक आंटी के पास चले गई है, तो मैं अभी फ्री हूँ थोड़ी सी। तो मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ आज का, ऐसे ही समझ नहीं आ रहा तो क्या क्या ब्लॉग बनाऊँ। तो अभी मैं आप लोगों को अपने यहाँ पे थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ बाहर का, अभी शाम के टाइम कैसा व्यू हुआ है यहाँ का। बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है। धूप जो है आज, धूप का तो आज कोई नामो निशान नहीं है। सुबह से 2-3 दिनों से बारिश लगातार कंटिन्यू चली हुई है। बाहर तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए कुछ खास, तो अंदर से दिखा देती हूँ मैं थोड़ा सा दुकान का भी, दुकान किस तरह से भरी पड़ी हुई है। तो आजकल मैं जो है दुकान में होती हूँ, तो दुकान में क्या ब्लॉग बनाऊँ समझ नहीं आता, तो मेरा ब्लॉग भी नहीं आते आजकल। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉग बना दूँ, इतने दिन हो गए हैं, तो तब मैंने आज ब्लॉग ही बना दिया। हेलो करो माही, माही हेलो करो। अभी जो है माही आ चुकी है यहाँ पर, तो माही अभी वापिस ले आई। एंड दादी जी जिनके साथ ही गए थे वो मेरी दादी जी लगी, तो अभी माही वापिस लेके आए वो। क्या किया, क्या किया वो, क्या खाया है? गुरु हाय करो माई, हाय करो, हाय करो, ऐसे बोला थोड़ी सी स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल करो, वो करी स्माइल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो जाओ। हाँ जी, पानी लेके आए आप? दो इधर दो, बीनू को भी दो थोड़ा सा पानी। आजा आजा इधर पानी लेके, इधर बीनू को। इधर रूही भी आ चुकी है, रूही यहाँ पानी पीने लगी हुई है। रूही दो बीनू को दो थोड़ा सा पानी, दो मैं पिलाती इसको, पहले मैं इसको जूस पीने देना, मानती नहीं है तू जूस पीने से, हाँ सी लगी तेरे को लग रहा है। फिर रुक जाए, इससे देना मैंने ढक्कन से बीनू को। किसने दिया पानी आपको? दादी ने। दादी जी ने क्या बोला? दादी ने पानी पीना गंदा, गंदा पानी पीना, कैसा गंदा पानी? रूही जो है उधर काम कर रही है सामान उठाने का, दूसरी जो दुकान है हमारे साथ वाली उनका सामान उठा रही है। तो मैं बोल रही थक जाएगी शाम को, तो कहती मैं थकती नहीं हूँ, तो अभी मैं उसको दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर कैसे उठा रही है वो। Thank you.
हो गया। तो उसका अभी तक मन है उठाने का, तो अभी उठाने ही लगी हुई है। मैं कह रही हूँ उसको आजा वापस। आज है गाइस रूही सुबह बाथरूम से बाहर निकलते टाइम जब नहाई थी तो उसके बाद जो गिर गई थी तो उसको जोर की सिर में लग गई, दरवाजे की जो ऐसी टाइल लगाई हुई होती है ऐसी रीड जैसी उसमें लग गई। और यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी चोट आई इसके सिर में, बड़ों में कुछ पता नहीं लगेगा पर ऐसे लंबे तरीके में इसको जो है सिर में चोट आ गई। इधर आओ तू, इधर मैं दिखाऊं कैसे लगी यहाँ पे। इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे जो इसको सिर में पीछे लग गई, तो अभी कैमरे में कुछ पता नहीं लग रहा ऐसा ही से, क्योंकि यहाँ पे दवाई लगाई थी मैंने हल्दी और तेल। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, नहीं बाल नहीं खींचते दीदी को लगी है यहाँ। बारिश की वजह से पानी और फिसलन हो जाती है टाइलों पर तो गिर जाते हैं, और उसका पाँव भी जो है फिसल गया और इसको सिर में चोट लग गई। हेलो गाइस करो। हेलो गाइस, शुक्र है भगवान का इसको ज़्यादा नहीं लगे, हाँ सिर में कहीं लग जाए। अभी जो मैं खाना खुना खा के हम लोग फ्री हो गए तो अभी सोने की तैयारी में है। तो मेरा जो ब्लॉग है कल परसों से शुरू हो गया है, दो दिनों से तो मैंने वो कभी फिनिश ही नहीं किया, तो मैंने सोचा कि ना अभी उसको एडिट भी कर लेती हूँ। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मेरे इस ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले, और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।